बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी को पता नहीं कि आप लोग भी यूके जा सकते हैं बगैर डिग्री के और करोड़ों कमा सकते हैं। और ये मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस 19 साल का बोल रहा है, जहाँ पर ग्रीन मार्क बच्चों को स्पॉन्सरशिप भी मिल सकती है और बैंक बैलेंस इतना ज्यादा होगा कि जहाँ पर क्वालिफिकेशन और आपको कोई खास इतनी इंग्लिश आनी नहीं चाहिए। और वो जॉब कौन सी है, 8 जॉब आपके लेकर आए जिसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पर जो आदमी वीडियो को लाइक और कमेंट करेगा वो चलेगा मेरे साथ ऑस्ट्रेलिया में, मेरे साथ एग्जाम्पल रहेगा और आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है मेरे सीवी एंड कॉलर से बहुत से लोगों को जॉब मिल गई है। अगर आपको कोई भी हेल्प करनी है आपको तीनों व्हाट्सएप पर किसी एक पर आना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर लाइक करके अपनी अपनी एंट्री सीने में जरूर डालिएगा और डिस्कस करते हैं कैसे ग्रीन मार्क का बेटा बगैर क्वालिफिकेशन के बगैर इंग्लिश इसके लाखों रुपये कमा सकता है। सबसे ऊपर मैं जॉब रखना चाहूंगा यहाँ पर वो होती है एस्टेट एजेंट की, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है घर को बेचने और सेल करने का। क्योंकि तो यूके में अगर आपका नॉर्मली घर होता है तो आपको 8% रेंट देना पड़ता है मंथली, जो लोग एस्टेट एजेंट आपका घर मैनेज करते हैं। अगर आपको सेल्स करनी होती है तो सेल्स में रफली अगर 1 लाख का भी घर हुआ तो आप उसको 2,000 पाउंड देते हो, तो देख सकते हो कि अगर एवरेज घर ही इंग्लैंड में 2 लाख पाउंड का होता है तो कहीं ना किसी 4,000 पाउंड 5,000 पाउंड आप कमा लोगे और आप दोनों साइड से कमा लेते हो, तो रफली आप कहीं ना कहीं 4-5 लाख रुपया एक घर से बड़े आराम से कमा सकते हो। जब आप एक घर सेल करते हो और इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं एस्टेट एजेंट। इसके लिए सिर्फ आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 14K से शुरू होती है, 14,000 से आप ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। और सीवी लाइब्रेरी आपको वेबसाइट स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, अगर आप यहाँ पर सर्च करोगे एस्टेट एजेंट जॉब कितनी सारी जॉब निकल रही है और इवन कि आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई जा रही है, आप अपने सीवी जितनी जॉब डालोगे आपको उतनी जल्दी इंटरव्यू आएगी। अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए मेरी मात्र कॉस्ट 1,000 रुपये, आई एम ओनली 1 कॉल अवे फ्रॉम यू। सेकेंड जॉब आती है इलेक्ट्रिशियन की, अगर आपके इलेक्ट्रिशियन का काम आता है आपको कोई नहीं रोक सकता है कि यहाँ पर करोड़ों रुपये कमाने से। मैंने खुद अपने घर में अभी इलेक्ट्रिशियन, मेरे यूके 5 घर हैं और मैंने भी इलेक्ट्रिशियन को पीछे बुलाया था, मैं इंडिया बेस्ड था, तो वो लड़का मेरे घर में इलेक्ट्रिशियन सर्टिफिकेट दे गया और प्लस चेकअप 600 पाउंड ले गया सिर्फ 2 घंटे काम कर। बताओ कौन आदमी 60,000 रुपया देता है इंडिया में सिर्फ 2 घंटे काम करने पर। इसके लिए आपको NVQ लेवल्स करना पड़ेगा और इवन कि आप अप्रेंटिसशिप की जॉब भी कर सकते हैं यूके में, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी है 16,000 से 20,000 की स्टार्टिंग होती है। और अप्रेंटिसशिप में आप ट्रेनिंग इलेक्ट्रिशियन काम करते हो और कंपनी में आगे प्रोग्रेस करके सीनियर इलेक्ट्रिशियन बनकर आपकी जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं 90,000 पाउंड से लेकर 1,20,000 पाउंड बन जाती जब आप अपने लिए खुद के लिए काम करते हो। तो इलेक्ट्रिशियन की जॉब भी बहुत ही फेमस है। अगेन आपको जॉब साइट दिखाई जा रही है और आपको टॉप रिक्रूटमेंट एजेंसी दिखाई जा रही है, आपने यहाँ पर अपना CV और कम्पलेट लोड करना है। नंबर 3rd पर आती है जो सबसे ज़्यादा जॉब यहाँ पर फेमस है, वो जॉब है रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट की। अगर आपको यहाँ पर लोगों को प्लेस करना आता है, जैसे मैं बर्मिंघम रहता था, मेरे पास एक कंपनी लियर कॉर्पोरेशन कॉन्ट्री में थी जो सीट्स बनाती है जैगुआर लैंड रोवर के लिए। अगर आप हमारे वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, तो आप वहाँ पर टेम्परेरी लेबर भेजोगे, अगर वो आप 15 पाउंड दे रहे हैं आप 12 पाउंड दोगे एक लड़के को और 3 पाउंड आप 1 घंटे का अपने जेब में, वो लड़का अगर 50 घंटे काम कर रहा है तो आप एक लड़के से आराम से 150 पाउंड एक वीक का कमा सकते हो। अगर आपका 100 का कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के साथ है तो आप इसको गुना कर सकते हो। और इवन कि यही प्रॉब्लम अगर आपके पास अगर 5-6 कॉन्ट्रैक्ट आपको लोकली मिल गए हैं, आप फुलफिल कर रहे हो वहाँ पर लेबर की, तो गाइस मैं कह सकता हूँ कि आप 2 से 3 करोड़ कमा रहे हो। पर इसके लिए भी खास क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी 18 साल से ऊपर चाहिए, नो फॉर्मल रिक्वायरमेंट। अगेन अगर आपको जॉब लेनी आप ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट शुरू कर सकते हैं और जिसकी सैलरी और रिसोर्स की शुरू होती है 15,000 से 20,000 पाउंड सालाना और उसके आपको कैप मिलती कमीशन मिलती है, तो गाइस सोच क्या रहे हैं, बिंदास होकर आप ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगली जॉब का नाम है वो है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। अगर आपकी 18 साल से आपने 10th पास की, आपका 5G CSE लेवल है, तो NATS एक कंपनी का वेबसाइट स्क्रीन पर दिखाया भी जा रहा है, नेक्स्ट एरो, यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जहाँ पर आपको प्लेन को लोड करना है अनलोड करना। और यूके में इतने सारे एयरपोर्ट आपको यूके मैप ही दिखाया जा रहा है, आप ईस्ट मिडलैंड में, आप वेस्ट मिडलैंड में, आप लंदन में, बर्मिंघम में, आप कहीं पर बेस्ड होकर ये लोगों को यहाँ पर मतलब कि प्लेन को नीचे उतारने और लाने के लिए कर सकते हो। और जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो शुरू 25,000 के एज ए ट्रेनिंग। अगर आपका एक्सपीरियंस आ जाता है तो आपकी एवरेज सैलरी 55,000 से लेकर 65,000 पाउंड होती है। पर इसके लिए भी खास क्वालिफिकेशन, सिर्फ आपको GC SE लेवल चाहिए जो 10th में 5 आप सब्जेक्ट में पास किए हो। फिर मैं कंसल्टेंट हो गए, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो गए। अब बात करते हैं कारपेंटर की। अगर आप कारपेंटरी बैकग्राउंड से हो तो आपको कोई खास क्वालिफिकेशन चाहिए, आपकी जो एवरेज सैलरी है यहाँ पर सैलरी 70 से 1 करोड़ के बीच होती है, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिखाया कारपेंटर की जॉब रिस्पॉन्सिबल। प्लीज गाइस आप सोच क्या रहे हैं, प्लीज इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कारपेंटर की जॉब में आपको सिर्फ किचन में ये यूनिट्स बना रहे होते हैं, जैसे वुड के और टेबल्स वगैरह, सोफा वगैरह, अगर आपको वो काम आता है
आईटी वर्क आपको असेंबली भी करना आता है, चांदी है या आप एक ये जॉब एक कारपेंटर फिटर जो गलीचे होते हैं, मेरे कश्मीरी भाई जो इंडिया से देख रहे हैं, अगर हम गलीचे लगाने कमरे में आते हैं तो मैंने खुद अपने घर में गलीचे लगाए हैं। गलीचे लड़का इंडिया से था, पंजाब होशियारपुर से, उसने कहा कि उसकी सैलरी है 4 लाख से 5 लाख पर मंथ, इवन कि वो ट्रेनिंग था कारपेंटर फिटर का भी यहाँ पर बहुत काम है। इसका नंबर जॉब 5 पर रखूँगा, 7 पर रखूँगा कारपेंटर की जॉब को भी। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर जो मैं खुद हूँ, प्रोजेक्ट मैनेजर को मैनेज प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनानी है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो मटेरियल को ऑर्डर करने में दूसरी टीम की हेल्प लेता है, फिर वो कोऑर्डिनेट करता है, एक चीज़ों को बनाने में हेल्प करता है, बहुत सारी टीम को एक साथ लेकर चलता है। और मैंने खुद इलेबोरेटरी कंपनी में काम किया और मेरी CV से एक लड़का रोल रहा है इंटरव्यू और लोकल शेफ की। अगेन सोच क्या रहे, अगर आपको मुझसे बात करें 1000 में से डिस्कस कर सकते अपना केस कि आपको जॉब कैसे मिलेगी, और आपके CV पर लोगों यूरोप में जॉब अप्लाई करता और मेरी CV से लोगों को जॉब मिल जाती है। पर गाइस प्रोजेक्ट मैनेजर की यहाँ पर बहुत डिमांड है, आप प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब, प्रोजेक्ट लीड की, प्रोजेक्ट सपोर्ट से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और प्रिंस टू एक वेबसाइट होती भी है गाइस, अगेन अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब ढूंढनी है, आपको प्रोफाइल दिखाई जा रही, ये भी एक लड़का BA पास लड़का भी ये जॉब कर सकता, और इवन की 10th पास लड़का भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, पर वो कंपनी बहुत सारा पैसा पे करती है। तो उसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस सेल्स पर्सन वो होते हैं जो कि कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट को बेचना चाहता है या कोई भी चीज़ सेल करना चाहता है, इलेक्ट्रिशियन का बांड, लैपटॉप भी सेल करना चाहता है। अगर आप B2B सेल्स करते हो, या आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 पाउंड से शुरू होती है, कमीशन लगने के बाद आप इसको 100K तक लेकर जा सकते, पर इसके लिए भी आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस कस्टमर सर्विस चाहिए, ड्राइव चाहिए और पैसा कमाने की एक लालसा चाहिए, और ये B2B सैलरी भी बन जाती है। इसके अलावा प्लम्बर भी है, पेंटर भी है। अगर आपके पास ब्रिक लेयर है तो उसको तो UK वैसे ही दे रहा है विशेष 5 स्किल, स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि शटलर हो, 5 स्किन को भी UK ने ऐड किया शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में, जिसको हम इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट भी बोलते हैं, और उसमें आप लोगों को बच्चों को जॉब UK वर्क से मिल जाएगा, और उसमें अपनी बीवी भी आपके साथ जा सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स हो तब भी आप ये जॉब 20 आवर्स कर सकते हो, अगर डिपेंडेंट हो तो आप फुल टाइम काम करके यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। तो ये सारी ऐसी जॉब्स हैं, अगर कोई भी हेल्प चाहिए गाइस मेरे फेसबुक पेज GaryKumar8 पर और गैरी के इंस्टाग्राम आइए, मैं लोगों की फ्री हेल्प करता, और इवन की मेरी मात्रा कौन सी 1000 रुपये जहाँ आप उसे सीधे बात कर सकते हो। तो ये सारी जॉब्स UK में जो निकली पड़ी हैं, जहाँ पर आपको ना कोई क्वालिफिकेशन चाहिए ना कोई खास इंग्लिश चाहिए, बस एक सूट के सर जिसमें भर भर के पैसा लेकर जाओगे और इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी और आपके सपना पूरा हो जाएंगे। गाइज आई लव यू सो मच, स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड फॉर मी।